हेलो स्टेनली गोल्ड मैडम, डायरेक्टर हिमांशु बच्चन, सभी स्टाफ मेंबर्स, जो प्यारे प्यारे बच्चों, 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में वो पहला दिवस जिसको याद करके आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं भुला पाएंगी। 15 अगस्त 1947 से पहले पहले दिन 14 अगस्त 1947 को आजादी की कीमत इस देश को एक विभाजन देकर चुकानी पड़ी, जिसका जिक्र सरदार मोदी जी ने भी संबोधन में कहा है। शायद 14 अगस्त का दिन भी अगर 15 अगस्त के तरीके से ही एक क्रांति दिवस के दिन रूप में मनाया जाएगा। बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी कीमत इस राष्ट्र ने शायद आने वाली जनरेशनों को तो मालूम भी ना हो कि किस कीमत पर इस देश ने यह आजादी हासिल की। एक अनुमान के अनुसार 25 से 30-35 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाकर, अपनी अस्मत गुजाकर गंवाकर, अपनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ गंवाकर लोग इधर से उधर हुए। मैंने तो देखा है, मैं बचपन में जहाँ रहता था हमारे यहाँ बहुत सारे विस्थापित परिवार रहते थे, उनकी बातें सुनते थे, हमारे यहाँ पर ये था, इतनी जमीन थी, ज्यादा थी, इतने बड़े हमारे परिवार थे, सब कुछ खत्म हो गया। शायद उनका हम कभी जिक्र नहीं करते कि आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान है, क्या कुछ उन्होंने गवाया है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, बागों ने, अनेक महापुरुषों ने आजादी की इस लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया, जिन्हें हम विगत 75 वर्षों से याद भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको नमन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। कोई भी घटना जब अतीत की हो जाती है तो फिर वो पानी बन जाती है, वो किस्से बन जाते हैं, वो विधवंतियां बन जाती हैं, जिन्हें हम पानियों के रूप में, किस्सों के रूप में सुनते भी आए हैं और आगे आने वाली जनरेशनों को भी सुनते हैं। और फिर हमारा देश तो है ही कहानी और किस्सों का देश। कहानियां हमारे रगों में तोड़ती है, हमारे डीएनए में। अभी तो वो भी टाइम होता था कि बिना कहानियां सुने हमें नींद ही नहीं आती। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादा, हमारे नाना नानी इतनी कहानियां हमें सुनाते थे, और आपको याद होगा कि वो कहानियां सुनते सुनते ही हम सो जाते थे। कहानी सुनना या सुनाना ये कॉन्सेप्ट है, मेरा मानना ये है कि ये कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे एक बड़ी भारी वैज्ञानिक सोच है। कहानियां सुनने से, जो भी कहानियां पौराणिक कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, ऐतिहासिक कहानियां सुनाते हैं, महापुरुषों के किस्से सुनाते हैं, और अनेक परिवार से जुड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं पता नहीं हम क्या क्या जिक्र बच्चों के सामने करते हैं, करते थे, करते हैं, करना भी चाहते। क्योंकि कहानियां हमारे मेमोरी बॉक्स में चली जाती है। कहानी एक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को सिखाने का एक कॉन्सेप्ट है कहानियां सुनाना। कहानियां सुनाने से बच्चों की लिसनिंग बढ़ती है, और मेरा मानना यह है कि जब लिसनिंग कॉन्सेप्ट का आदमी में बढ़ता है तो फिर उसको राइटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, सुनने की आदत होती है, बच्चे का विकास होता है।
उसका दिमाग में विकास होता है। याद किया जाता है उन वीरों को, महावीरों को, उन रण बहादुरों को, इस महान दिन, इस महान दिवस पर। और लगभग 75 वर्ष हमें हो गए ये सब बातें याद करते हुए, भ्रमण करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। और आने वाले युगों युगों तक ये किस्से याद रखते जाएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात माता कुंती ने कहा था कि इस धरती पर लड़ने वाली हर एक लड़ाई, हर एक युद्ध माता के सीने से होकर गुजरता है, या जो कहेंगे माता के सीने में लड़ा है। मसलन युद्ध में माताएं कोई अपना बेटा गवाती है, कोई अपना पति गवाती है, कोई अपना भाई गवाती है, कोई अपना नाती गवाती है, कोई अपना संबंधी गवाती है। गवाना तो माताओं को, नवन उन वीरांगनाओं को जिन्होंने हंसते हंसते अपने नातियों को, अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने पिताओं को नौछावर कर दिया इस देश के स्मृति, इस देश की आन बान और शान। इसीलिए तो मनाते हैं ये सारे इस तरह के ओकेजन से सेलिब्रेट करते, प्रेरणा लेने बच्चे ठीक है कि क्यों याद किया जाता है महापुरुषों को, क्यों याद किया जाता है महावीरों को, धर्मवीरों को, परमवीरों को। उन्होंने दिया है देश को, और जिन्होंने दिया है उन्हें यही याद किया जाता है। बच्चों को जीवन में देना चाहिए, देते तो हम सभी हैं, देश ने हम ये नहीं किया, कितने किले हम करते हैं सारा दिन सरकारों से, उनसे डिपार्टमेंटों से, लेकिन हम कभी यही सोचते कि हम क्या देते हैं देश को। हम ना दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक भाव होना चाहिए हमें भी इस देश को कुछ देना है, इस देश का कर्ज है, इस देश की आजादी का कर्ज है। हजारों लाखों नौजवानों ने अपना सब कुछ गवा कर, उन वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने पुत्र, अपने पति और पता नहीं अपना क्या क्या खोकर इस देश को ये आजादी दिलाई है, जिनका योगदान है, जिनका कर्ज है हम सभी के ऊपर, उस कर्ज से हमें भूख हो। अभी पिछले माह 25 तारीख को कारगिल दिवस, कारगिल लड़ाई हुई थी 1999, सभी को याद होगा, बच्चों को नहीं मालूम है या नहीं। हर साल वहां पर कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। मुझे भी अपने परिवार के साथ हिमांशु मेरी बिटिया बहना और दो इस देश के लाइव पीवीसी परमवीर चक्र अवार्ड और एक से तो ज्यादा बच्चे से परिचित भी है योगेंद्र सिंह यादव इस स्कूल प्रांगण में आ चुके हैं, आप लोगों से रूबरू हो चुके। दूसरे परमवीर चक्र अवार्ड ये विश्व संजय कुमार, दोनों ही हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, स्कूल से बहुत प्रेरित करते हैं, बार बार हमें आने की इच्छा भी होती है। सुविधा योगेंद्र सिंह यादव जी तो अभी दिसंबर में हमें रिटायर हो गए और उनकी इच्छा है कि मैं बाकी का जीवन इस स्कूल के माध्यम से डिफेंस अकेडमी खोलकर देश के लिए समर्पित, और हजारों अपने जैसे जहाज सिपाही इस देश को देकर जब जो मर मिटे इस देश की आन बान और शान के लिए।
मैं अपने परिवार के साथ उनके साथ वहां पर गया और साक्षात वो 60-65 किलोमीटर का एरिया, वो इलाका, वो दुर्गम पहाड़ियां जहां पर माइनस टेम्परेचर रहता है साल में कई महीने, वो देखने का सौभाग्य मिला। उस लड़ाई का आंखों देखना था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी लड़ाई होती है ना, उसके चश्म दिए देना है। एक एक बात, एक एक भगवान का सुनकर सही मानो तो बहुत खड़े क्या जज्बा रहा होगा। 500 के करीब हमारे जवान शहीद हो गए, और वो माताएं, वो बहनें, वो पत्नियां, उनको वहां पर इन्वाइट किया हुआ था जिनके बच्चों ने वहां पर शहादत दी थी। कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है सब कारगिल के। आंखों में आंसू मैंने देखे माताओं, हम सारे इसी प्रोग्राम में बैठे थे, लेकिन चेहरे में एक अजीब किस्म की शांति, एक गर्व कि यह भारत माँ कितनी सौभाग्यशाली माताएं हैं कि हमारे पुत्र, हमारे नाती, हमारे रिश्तेदार हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान। क्या जज्बा है, ऐसे ही होना चाहिए। हर आदमी फौजी नहीं बन सकता, हर आदमी सीमा पर नहीं लड़ सकता, लेकिन हम अपनी सीमाओं में रहकर इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे हमारे भाव होने चाहिए। और कम से कम इस स्कूल के तो मैं हर विद्यार्थी से, हर स्टाफ मेंबर से ये उम्मीद जरूर रखता हूँ, क्या मुझे रखनी भी चाहिए, जो हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते। देखिए जीवन में आनंद आए बेनसीब लेते तो हम नहीं, कुछ ना कुछ देने का भी भाव होना चाहिए। जीवन को आनंदित बनाइए, आजादी का जश्न मनाइए, और याद रखिए कि बहुत मुश्किल से मिली हुई चीज को अगर बहुत होशियारी से संभाल कर नहीं रखा जाता तो उसको जाने में भी समय लगे, चाहे वो सुख हो, संपत्ति हो, माता पिता से मिली विरासत में कोई भी चीज हो, आजादी हो, कुछ भी चीज हो, जीवन में जो भी आपने हासिल किया है, अगर उसकी कीमत आप नहीं चुकाना चाहते हो तो वो चीज लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों से ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आज इस भाव के साथ अपने घर पर जाएंगे कि हमें जीवन में दूसरों के लिए नहीं कुछ करना, अपने लिए तो जीना ही है, दूसरों के लिए भी अगर हम कुछ भी कर सके तो नहीं करना। एक और पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रही है, दो दौर, तीन दौर, चार दौर इस महामारी के देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी इस महामारी से अछूता रहा। पूरी दुनिया में प्रयास हो रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, दवाई भी हम लोगों ने खोज ली है, और उम्मीद भी है कि जा रही है कि शायद आने वाले समय में अब इतना नुकसान इस मानव जाति को ना झेलना पड़ेगा।
इसके साथ साथ कोरोना हमारे लिए बहुत सारी सीख लेकर आया। दुनिया को एक नए तरीके से सोचने की क्षमता के साथ आया। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे सवाल इस दौरान मैं समझता हूँ कि मानव के जहन में जब कहीं ना कहीं अति जगह आए। अभी जैसे एजुकेशन सिस्टम को ही आप कीजिए, अभी ऑनलाइन पढ़ाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी दुनिया, चलो विकल्प है, हो सकता है और टाइम भी उसको अपनाया, उसके अच्छे या बुरे परिणाम जो भी होंगे वो तो आने वाला तो नहीं होगा। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक चीज मुझे अपने लेवल पर नजर आती है, या हम अपने सर्कल में भी बात करते हैं, बच्चों में जो मोबाइल एडिक्शन की जो एक बात नई निकल के सामने आ रही है, मुझे लगता है ठीक है। सभी पेरेंट्स को, समाज के सभी जागरूक नागरिकों को, पढ़े लिखे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या खतरे आने वाले समय में इन चीजों के क्या दुष्परिणाम निकलने वाले। छोटे छोटे दो दो तीन तीन साल के बच्चे मोबाइल एडिक्शन, बच्चा सोच नहीं गया मोबाइल पर, बच्चे ने भूख देना शुरू कर दिया। अभी एक अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था पिछले साल, छोटा बच्चा एक साल का भी नहीं होता, दूध नहीं पी रहा है, माता ने मोबाइल रख लिया, उन पर बच्चा दूध पी लिया। ये क्या भाई, जब तक मोबाइल इसके आस पास ना हो ये दूध नहीं पीते, अजीब की बात। आज अच्छी लगती है ये बातें कहने में सुनने में, हमारा दो साल का बेटा, हमारा चार साल का बेटा, हमारा पाँच साल का बेटा मोबाइल पे ये करता है, ये ऐप खोल लेता है, ये वर्क कर देता है। अरे इतना तो हमें भी नहीं आता जितना हमारे बच्चे सीख रहे थे। ठीक है, समझिए बच्चों, टीचर्स होने के नाते आपका फर्ज बनता है बच्चों को अवेयर करिए, तो भाई इस्तेमाल होना चाहिए, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। ताल से तार और चाल से चाल मिलाकर अगर हम नहीं कहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज के उपयोग की एक सीमा होनी चाहिए। गलत दिशा में ना जाए, ना चाहिए आप सभी का फर्ज बनता है, हम सभी का फर्ज बनता है। देश की पूरी दुनिया की परिस्थिति ऐसी है, उसी के हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आजादी का लुत्फ उठाए और इस देश को कुछ देने के अपने मन में श्रद्धा रखें। इन शब्दों के साथ आप सभी को उन वीरांगनाओं को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।